नमः ओम नमः ओम नमः। शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम वीरो वीरो मम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभू ओम नमः। शुद्धात्मा मूल तत्व है और परम तत्व है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, न खलु समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति। शुद्धात्मा कहो समय सार कहो। कारण समय सार, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, कार्य समय सार। आत्मा से अतिरिक्त कौन है? तैकालिक शुद्ध आत्मा वह कारण समय सार है और परिपूर्ण शुद्ध दशारूप परिणत आत्मा वह कार्य समय सार है। परमात्म प्रकाश की एक शैली और है टीका की। एक देश शुद्धता रूप परिणत आत्मा कारण समय सार है और सर्वदेश शुद्धता रूप परिणत आत्मा कार्य समय सार है। वो भी कारण का है, तैकालिक कारण भी उपादान, उपादान पूर्ववर्ती उपादान, विवेक्षा भेद है, इनमें विरोध नहीं समझना चाहिए। अब ये शैली पढ़ ली इन्होंने, वो कहते देखो ये लोग कहते आत्मा कारण समाचार, आत्मा थोड़ा नहीं कारण समाचार। अरे भाई आत्मा कारण समाचार नहीं होता तो कार्य फिर होता ही कहां से? वो त्रैकालिक उपादान की ओर आश्रय करने योग्य। अंतरात्मा को भी कारण समाचार कहा गया। क्या कहा? नखल समय सारास दो तरम किंच दस्ती। समय सार के आगे कुछ भी नहीं है। हमें कभी कभी बड़ी दया आती है, अध्यात्म चर्चा से अध्यात्म से भी बुझाते हैं। ये तो बहुत हो गया, अब अपन बेसिक वो करना नहीं, उक्का करो चलो वहां, चलो वहां तो विशेष अभ्यास है वो कर लेंगे अपन, चलो वो पढ़ लेंगे। अब ये दशाएं ऐसी हैं जैसे घर छो, घर पर आने के बाद अब चलो और ने घूमया। ध्यान रखना करना नहीं, उसके अभ्यास का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन जब तुमने शुद्धात्म स्वरूप को सुना समझा तो अब तो क्या करना चाहिए? पंडित जी के शब्द बोलो बनारसी दास जी के, बाही को विचार कर बाही में मगन हुए। जब मीठे पानी की का कुआ या बावड़ी तुम्हें मिल गई, अब क्या करें? अब तो उतरो उसमें और प्यास बुझा। बड़ा सुंदर काव्य है, एकाग्र सुंभ के न अध्यास शुद्ध न मुद्दत बोध चिन्हम नैकाग्र मेव कलयंत सदैव ये थे, रागाद मुक्त मन से सत्तम भवंते पश्यंत बंध विदुर समय से सारम। याद होगा पहले पढ़ा होगा भैया, कुछ समझ में आया हिंदी? अध्यास शुद्ध नय मुद्दत बोध चिन्हम, शुद्ध नय नय, शुद्ध आत्मा को भी शुद्ध नय कहते हैं। शुद्ध आत्मा शुद्ध नय का विषय होने से शुद्धात्मा की अनुभूति को भी शुद्ध नय कहते, प्रकाश यन शुद्ध नयो भी देती। प्रकाश यन शुद्ध नयो भी देती, और शुद्धात्मा का विषय करके जो विकल्प रूप परिणमित हो रहा है वो भी शुद्ध नय कहलाता है। पक्ष माने शुद्ध नय अनेक भेद हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ये क्या कहते हैं? अध्यास शुद्ध नय
उद्धत बोध चिन्हम, उद्धत बोध चिन्हम, उद्धत उद्धत जानते होगे, उद्धत बोलना भैया, उद्धत का क्या अर्थ है? मैं बोलो भैया, मैं बोलो भैया, क्यों बड़ा उद्धत है माने वो बिल्कुल बदलता नहीं है, ठीक है सुन भी समझ भी बिल्कुल बदल भी तैयार ही नहीं। शुद्धात्मा भी ज्ञान भी उद्धत है, किसी के दवाई दवता नहीं, किसी के धोखे रुकता नहीं है, किसी के बदले बदलता नहीं, उद्धत है। शुद्धात्मा उद्धत, उद्धत बोध चिन्हम, बोध का विशेषण है उद्धत, दवाई नहीं। एक कर्णानी युग का थोड़ा सा विषय बताओ इसमें, देखो निगोदिया की पर्याय में भी अक्षर के अनंत में विभाग ज्ञान प्रकट रहता है। कितना ही ज्ञानवर्ण कर्म हो वह ज्ञान को सर्वथा नहीं गा सकता, इतना ज्ञान प्रकट रहेगा ही रहेगा। अक्षर के अनंत में विभाग ज्ञान, जैसे दर्शन मोह का अति उदय है तो ये समझो सम्यक दर्शन है ही नहीं, चारित्र मोह का उदय है, चारित्र है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही ज्ञानवर्ण का उदय है, पूरा उदय है समझो तो, लेकिन फिर भी बोलो एक विविच्छा समझ में आ गई। ज्ञान लक्षण जीव के सदा काल है, दवाई नहीं होता, इसीलिए उसको लक्षण बनाया। अब देखो सम्यक ज्ञान की बात बता, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। दृष्टांत बताओ, गाथा बताओ और फिर टीका बताओ। अग्नि तप्त सुवर्ण वीर्यों स्वर्ण नहीं तजे त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञान पना तजे। अग्नि से तपायमान तप्तायमान होने पर भी स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। ऐसे ही कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञान पना तजे। ये तो मूल गाथा का अनुवाद है, टीका में क्या मालूम शब्द क्या लिखा है, हजारों कारण उपस्थित होने, हजारों कारण मिलने पर भी, घोर उपसर्ग होने पर भी ज्ञानी ज्ञान से च्युत नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में वह अपने को ज्ञान के अतिरिक्त अन्य रूप नहीं जानता, इसीलिए उपसर्ग करने वाले उसे उपसर्ग दिखने वाले दिख नहीं। जिस पर उपसर्ग किया जा रहा है वह मैं नहीं हूं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसके ऊपर तो कोई उपसर्ग है नहीं, निरुपसर्ग तत्व है। निर्गंध जीवन को निरुपद्रव जीवन कहा है, निरुपद्रव निर्द्वंद जीवन में कोई उपद्रव नहीं, उठापटक कुछ नहीं, सीधा भगवान आत्मा निरुपद्रव तत्व है, निरामय निरुपद्रव निरातंक निकलंक। शब्दों का प्रयोग है तुमने, कुछ तो सहस नाम में ही आए होंगे, और ध्यान रखना सहस नाम में जो आत्मिक गुणों की अपेक्षा से चर्चा है वह पर्यार्थिक अपेक्षा भगवान को लागू होती है, तीर्थंकर परमेश्वर, और द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को लागू। क्यों? परमात्मा का स्वरूप वही है जो आत्मा का स्वरूप, परमात्मा की दशा स्वाभाविक दशा है, स्वभाव का प्रकट होना यही परमात्मापना है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रक्षण कर्मणे संज्ञान रूप नमोस्तु परमात्मा।
खूब पार करते हो तुम तो भैया याद होगा, यस्य स्वयं स्वभाव आप्ति, कहते हैं परमात्मा जिनको नमस्कार किया, जिन्हें स्वभाव की प्रकटता हो गई, प्राप्ति हो गई, यस्य स्वयं स्वभाव आप्ति। स्वभाव की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष में क्या मिला है? पैसा मिलो, भोग मिले, संयोग, शरीर मिला। अरे जो स्वभाव है वही तो मिला है। इसीलिए ये सूत्र हैं आपके, अप्पा सो अम्मप्पा, और पीछे क्या लिखा फिर आगे, परमप्पा सो अप्पा, अप्पा सो परमप्पा, जैसा है स्वरूप है वैसा ही पर्याय में प्रकट होना परमात्म दशा परमात्मा है। समय सार जी पहले गाथा की टीका में क्या कहा, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा। शुद्धता शक्ति रूप तो सब में है लेकिन व्यक्त हो गई है, शुद्धता रूप परिणमित हुए हैं। एक पाषाण जिसमें मूर्ति बननी है और एक उत्कीर्ण करने के बाद मूर्ति, उत्कीर्ण मूर्ति तो साक्षात मूर्ति है और वो अव्यक्त मूर्ति है, उसको शिल्पकार तो देख रहा है, आप लोग नहीं देख पा रहे। ज्ञानी तो इन बहिरात्माओं के भीतर भी परमात्मा स्वरूप देख रहे हैं लेकिन जगत के मोही प्राणी के भीतर इस दशा से निरपेक्ष न्यारी उस परमात्मा स्वरूप को नहीं देख पा रहे। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली आत्मा की स्वाभाविक परिपूर्ण निर्मल दशा, वही तो परमात्मा दशा है, उन्हें ही तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की परिभाषा बोलो, नियम सार जी टीका में थे, त्रिकाल निरावरण नित्यानंदमय है, आ गया यार, त्रिकाल निरावरण नित्यानंदमय, कहां भटक रहे हो हम ये कह रहे हैं। इस उपयोग को एकाग्र करो, खूब अभ्यास बढ़ाओ और ज्ञान और ध्यान का अभ्यास करो। एकाग्रता का नाम श्रामण्य है, एकाग्रता का नाम धर्म है। ये चंचलता, ये पर्वोन्मुखता, ये गेयलुब्धता छोड़ो भाई, इसके अलावा और क्या पढ़ें? ये तो अध्यात्म है, जैन दर्शन है। हम ये पूछते हैं कबीर दास ने कैसे लिख दी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ न को वो पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसी शैली में यहां लगा दो, ढाई अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित हो, ये पढ़ो। देखो ये भ्रांति निकाल दो, ये तो हम जानते हैं, स्वानुभव बिना का ज्ञान ज्ञान नहीं है। और स्वानुभव के बाद प्रतीति हुई, अब भी यही करने लायक है क्या, बाही को विचार कर बाही में मगन हुए, बाको पद साधवे को ऐसी विधि ठान ली। दूध मीठा करना है, है उसमें थोड़ी सी मिश्री डाली, गुड़ डाला, मीठा हुआ, न कम मीठो हुआ तो आपने एक नमक डाल दी, या इतनी थी आपने मिश्री डाल दी और मीठो तो भाव नहीं, तो कह घोलो, ऐसे घोलन करो इसका। कितनी सरल क्रियाएं रोज करते हो और उसमें से अध्यात्म दृष्टि न होने से कछु नहीं लगा, सूखी सूखी सी रहती है जीवन। शाक लुब्ध है, हाँ व्यंजन लुब्ध, जाने क्या नमक का स्वाद। अरे अकेला नमक हो चाहे व्यंजन में घुला हुआ नमक हो, नमक खारा है तो है। अकेला आत्मा हो सिद्धालय में विराजमान, अथवा तो भवलीन संसारी अवस्था में हो आत्मा, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा कहां गया। हजारों कारण मिलने पर भी ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, ज्ञान दबाए नहीं दबता। कोई अंक का दृष्टांत याद है तुम्हें,
सम्यक दर्शन का एक बात्सल्य अंग है, उस बात्सल्य अंग के प्रसंग आपने पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा तो पढ़ो, हम क्या करें, ऐसे पढ़ने का नाम पढ़ना नहीं है। प्रसंग पढ़ने पर किताब में से पढ़ लिया और बस डाल दिया। हाँ पढ़ो तो भूल गए, वो भूल गए, तुम अपना नाम आज तक नहीं भूले, है? एक वयोवृद्ध व्यक्ति बोला, महाराज क्या करें, भूल जाते हैं, भूलने अब भूलन बहुत लगे। हमने कहा झूठ बोलते हो, बिल्कुल नहीं भूलते तुम, ये नहीं भूलते ये हम हैं, ये भूल तो जाओ एक दफे, ये हम हैं, ऐसे बैठो भूल जाओ, शरीर भी है, शरीर शरीर में है, भूल जाओ कोई घर है हमारा, कुटुंब परिवार है, व्यापार है, धंधा है, अब हमें जाने, अब हमें जाने, कब चली जाओ तब चली, इसे काय को रट रहे, अब ऐसे क्यों रट रहे हैं, संज्ञा से बिस्तर क्यों बांध रहे भैया, अपना उपयोग यानी क्यों समेट रहे, अब हमें जाने, अब हमें जाने, अरे जाने तब चलेगी। भारी भूल भई हमारी, अब कहा भये पछताए, दौल भयो तजो अजहू विषयन को। इंद्रिय के विषय हैं, ज्ञान के भी ये विषय हैं सबरी, दौल तजो अबहू विषयन को, एक ही विषय बनाओ। सदगुरु बचन सुहाए, हम तो कबहून निगे आए आए, दौल तजाओ आज हूं विषयन को। बस अब हमें क्या करना है, जब लड़का घर बार पसंद है तो अब काय को भटक रहे हैं, पक्की करो, घर बार पसंद आएगा अब के और देख रहे, दो चार कब पागल हो गया बिल्कुल, और देख रहे, जब घर पसंद है बार पसंद है अब और क्या चाहिए जी बता, ये बात अलग है। अहंकारी जीवों को पसंद करना भी आता नहीं है, वे पसंद करते हैं बाहर की प्रॉपर्टी, बाहर के ताम झाम, बाहर के लड़का, बढ़िया लाख दो लाख की पैकेज मिल रही है, शराब पी का को पैकेज, रात को 11 बजे घर आता है, सवेरे 6 बजे निकल जाता है, का करेगी वो पैकेज, ओढ़ोगे बिछाओगे, सोचो समझो। अरे देखना है तो शीलवान संस्कारी भी हो, गरीबी में भी सुखी रहेगा, लड़की सुखी रहेगी गरीबी में भी, प्रेम वात्सल्य देखो, फुर्सत है नहीं, क्या करेगी तुम्हारी लड़की ये बता, फुर्सत ही नहीं हुआ, खाए पीवे सही मैं कमाए, अरे सोचो किनके लिए कमा रहे हो, उन बाल बच्चों में संस्कार डालने के लिए भी तो अपना उपयोग और समय शक्ति लगाओ, और नहीं तो वो तुम कमाओगे जिंदगी भर में, दे कमाएंगे साल भर में, और सालों भर में लग जाए तो बहुत है। बहुत विपरीत सोच हो गए, बहुत विपरीतता, पूरी विपरीतता ही है, ऐसा थोड़ी है कुछ समय का कुछ विपरीत है, सुनने पढ़ने पर भी आज भी विपरीतता पर्याय मूढ़ता बिल्कुल जाती कहां है, बेकाम काम दिखाई दे रहे, बेकाम जाको जामे कर ले, जाको जामे कर ले, वह कर ले, प्रचार कर ले, प्रसार कर ले, अरे हृदयंगम कर ले भले आदमी, याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर नहीं आए, गए सुबह बैठी मुंडा मिल गए सुबह, अरे वीर वीर गति वाले वीरों की बात नहीं कर रहे हम इन वीरों की बात कर रहे हैं, जिसने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना, और तो हम सब जानते हैं ये ही नहीं जानते, अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा सारा ज्ञान विपरीत है, पुद्गल को पुद्गल जानने कौन जान पाएगा, जो जीव को जीव, मैं अहम जीवो अहम अहम वही जान,
जो अहम को अहम जीव वो नहीं जानेगा, वो पुद्गल को पुद्गल कहेगा लेकिन पुद्गल को पुद्गल समझेगा नहीं, ममत्व छूटेगा नहीं। जितनी जायदाद है भाई भोग नहीं पा रहे और कमाए और बढ़ावी में लगे ये पागल से, जितनी जायदाद है भाई तो भोग नहीं पा रहे। हे और लिया दो दुपट्टा और लिया, जाए तो ओढ़ ले जाए तो फट जाऊंगे भैया, डर भी के डर लाई धीर कर। कृष्णवान जीव पुण्य के उदय की सामग्री को भी नहीं भोग पाता, ऐसे ही जीवों की जीव तो प्राणी गैर भाव का अनुभव नहीं कर पाता। काय को स्वाध्याय चल रहा है, नियम सारी भाव हो गया, कौन स्वाध्याय चल रहा है, हम कभी पूछते ही नहीं काय का स्वाध्याय चल, ग्रंथ बताते हो अध्याय बताते हो गाथा बताते हो हम नहीं पूछे, हमें संतोष नहीं होता। बोलो क्या स्वाध्याय किया, ये स्वाध्याय किया कि मैं गायक भाव, ये पंच इंद्री के विषय हे है। अरे कोई विषय आया उस विषय की हे उपाधेयता का विचार करो तो स्वाध्याय काय को स्वाध्याय करो, ग्रंथ पूरो हो, चार ग्रंथ पढ़ ले, पचास ग्रंथ पढ़ ले, तुम्हारे शास्त्री में क्या ग्रंथ पढ़े तुमने, पचास के आसपास पढ़े बता तो आप जवाब तुम्हें बताओ। अरे ग्रंथ पढ़ रहे हो निर्ग्रंथ पढ़ो, रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ ज्ञान है नहीं, जी पढ़ा तुमने कि जी तो नहीं पढ़ो। जैसे उस स्त्री ने कहा क्यों तुम है बनारस पढ़े आए तो ठीक है, तुमने जी पढ़ी गजगामिनी और फलानी और कमल बदनी और फलान जाने मधुर भाषणी और ये तुमने सबरी बढ़िया बढ़िया शब्द पढ़ रहे, ये बताओ एक प्रश्न हमारा कि पाप को बाप है को, ये भगवान ये तो हमारे कब ग्रंथ में आई नहीं, ये तो हमने समझी नहीं, तो कहां पढ़ो फिर तुमने। मारे भैया सचमुच पाप का बाप समझे बिना पाप छूटेगा कैसे, लौकिक में कहते ना चोर को नहीं चोर की मां को मारा जो चोर उत्पन्न नहीं हो, हमारे आचार्य महाराज भी यही कहते तुम कसायों को नहीं कसायों के मूल अज्ञान को मारो मोह को मारो। जब मिथ्यात और मोह मर गया अब कसाएं कहां बचेंगी, टाइम भले लग यार अब नहीं बचे ना, एक भी नहीं बचेंगे, कोई सम्यक्ति जीव के बताओ फिर ऐसा होगा हो कि कथाएं रह गई हो अनंत काल संसार भ्रमा हो, नहीं हो सकता। जैसे उस स्त्री ने कहा पाप का बाप, ये तो हमने पढ़ और कैसे पढ़ भी मिलो, दृष्टांतकार ने भी खूब दृष्टांत दिया है, कैसो दृष्टांत है, उस वैश्य ने एक चांटा दिया कौर नहीं दिया मुंह में चांटा दिया, बोले क्या कर दिया तो पाठ पढ़ा रहे तुम्हारे है, जिस लोभ के कारण से तुम कहां कितने पतित हो गए, ये सीढ़ी पर पैर नहीं रखना था, केवल लोभ के कारण से तुम उस भोजन करने को तैयार हो रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, लोभ के कारण से ही तो बुद्धि पापों में प्रवर्ती है। और ला और ला और ला और ला और पर पढ़ो और पढ़ो। अरे एक कारीगर भी हमने आपको बताया था एक ईंट लगा दो ठीक करेगा, एक लाइन लगा दो ठीक करेगा, ऐसा नहीं पूरी चिन ले तब ठीक करे तब सूट छाप लगा हो गई ठीक, फिर टेढ़ी टेढ़ी हो चली आई। ज्ञायक को जाने बिना जितने गेय जानोगे केवल मद होगा ज्ञान मद, और ज्ञायक को जानोगे तो बस निर्मद हो जाओगे ज्ञानी हो जा। अध्यास शुद्ध नय मोद्धत बोध चिन्हम, उद्धत चिन्ह वो ज्ञान चिन्ह भी दबता नहीं है, किसी अवस्था में ऐसा नहीं होता, सर्वथा ज्ञान से रहे तो ज्ञान परिणति भी और सम्यक
और सम्यक ही ऐसा है, किसी की दवाई नहीं दबता। सत्य निर्भय होता है, सत्य में बल होता है, ताकत होती है। किसी के रोके नहीं रुकेगा, वो दवाई नहीं दबेगा। लौकिक में दृष्टांत बताओ, घन होता है ना, घन दबाओ, तुम दबाओ उंगली टूट जाएगी, सुई घुसाओ सुई टूट की नोक टूट जाएगी, उसमें घुस नहीं, दवाई नहीं दबता। विज्ञान घन भगवान आत्मा, और जो ज्ञान घन हुआ है, ज्ञान घन हुआ है, विचार करो वो कैसा रहेगा। वह निमित्त निमित्त कथनों के सुनने पढ़ने से कमजोर नहीं होता। विचारना पूजा भक्ति करने से कि व्यवहारा वास हो जाएगा, और समयसार पढ़ने से निश्चयवास हो जाएगा, तो न समयसार पढ़ने न पूजा भक्ति करने तो क्या करोगे। समय सार पढ़े अध्यात्म समय निश्चयवास हो जाएगा, ये सब निश्चयवासी हम जानते हैं, तुम कछु नहीं जान। निश्चयवासी निश्चयवासी तब हो जाओगे निश्चय के कथन का पक्ष ग्रहण करके स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण करोगे। व्यवहारवासी तब हो जाओगे जब तुम पूजा करके संतुष्ट धर्मात्मा मान बैठोगे, अहंकार करोगे अभिमान करोगे। यदि उस साधन को साधन ही मानोगे, साध्य नहीं मान लोगे, उसके द्वारा अपने साध्य की सिद्धि का, उसको साध्य की सिद्धि का साधन बनाओगे, शुद्धोपयोग का साधन उसमें अनुराग, तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति का लक्ष्य रखो, कैसे तुम व्यवहारवासी हो जाओगे। ये कोई बात रही तुम्हारी, ऐसा भय लगता है। ज्ञानी को हजारों कारण मिलने पर भी कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। अज्ञान क्यों, उसे किसी ने ज्ञानी बनाया नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञायक भाव को अनुभवते हुए ज्ञानी हुआ है, अब वह उसे कौन ज्ञानी बनाएगा। हटो यहां से, निकलो यहां से, स्थान से निकालो तुम, यहां स्थान से भी नहीं निकाल पाओगे, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में, हाँ स्थान से भी नहीं निकल रहे हम, बोलो क्या करोगे। अच्छा इन्हें उठा दो, दोने उठाया और ऐसा शरीर हो गया उठता ही नहीं। ये भी चमत्कार देखे हैं तुमने कि नहीं देखे, उठाए नहीं उठ रहे। क्यों, वो प्रदुमन ऐसे ले रहे हो डेयरी में, आए है उठ जाते, हम पे नहीं, अब हम खाए पी के थक गए, हम पे नहीं उठ जाए। अच्छा टांग पकड़ के खींचने लगी, बोले कहां उठा। विद्या और विद्धि माने बाहर की विद्या, रिद्धियां ऐसी हो जाती हैं, अणिमा रिद्धि गरिमा रिद्धि लगमा रिद्धि होती हैं, उठा नहीं पाओगे। इसलिए क्षेत्र से भी निकालने और निकलने की बातें सब मिथ्या है, तुम्हारे विकल्प झूठे हैं। जिस समय यहां क्षेत्र से क्षेत्र अंतर होना है, कोई एक समय भी रोक नहीं पाएगा, और जब तक क्षेत्र आयु कर्म बाकी है, डॉक्टर कह देता अब घंटा दो घंटा के अपन जी रहे पालन जी रहे, डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ अब बस दिना दो दिना के हैं, और वे सालन जी रहे सालन। आश्चर्य कर रहे डॉक्टर जी, ए जी बच गए थे गए। गारंटी कुछ नहीं होगा, और वे फक निकलो यहां से। अरे लेकिन हम तो यहां अभी दूसरी बात कह रहे थे, ठीक है यहां से निकाल दो निकल जाएंगे, लेकिन जो तत्व यहां घुस गया वो कैसे निकलेगा ये बता। हम तो मैं जैनी नहीं, कुछ नहीं कर मत मानो, तुम्हारे मानने से जैनी थोड़ी भाई हम।
हम जिन देव का श्रद्धान करके, जिन गुरु का श्रद्धान करके, जिन शास्त्रों का श्रद्धान करके, अहिंसा धर्म का श्रद्धान करके, तत्वों का श्रद्धान करके, वेद विज्ञान करके, स्वानुभव करके ज्ञानी हुए हैं, अब हमको कोई अजन नहीं बना सकता। कैसे बनाओ? जो किसी के द्वारा बनाया जाए वो किसी के द्वारा मिटाया जाए। पुण्य के उदय ने तुमको पैसा दिया, बड़े आदमी बना दिया, अब वो पुण्य छोड़ा सो तुम बस फिर हो जाओगे जाके जा। लेकिन भगवान को भगवान किसी ने बनाया नहीं है, अब भी कब संसार। संत का दृष्टांत दिया, संत का दृष्टांत याद है? अरे गाथाओं में है, हाँ, सफेद संख है, काली मिट्टी खा रहा है, थोड़ी काला हो गया, और काला अगर दाग है तो है, वो क्या करोगे? उसी खान में कोयला है, उसी खान में सोना है, क्या करोगे बोलो? सोना पीला है, कोयला काला है, ज्ञानी को किसी ने ज्ञानी बनाया नहीं है, उसे डिग्री नहीं है, इसलिए कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। दवाई नहीं दबता वो ज्ञानी। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, स्वानुभव ज्ञान, उस दवाई नहीं दबता, रोके नहीं रुक रहा, मिटाए नहीं मिट रहा। ये पॉलिंग है ऊपर की, सोना है, हाँ, घिसो तुम, रगड़ो, तपाओ, जो कुछ करना है जो करो। भगवान आत्मा, हाँ, विचार तो करो, लगता ही नहीं है कछु है, और हैं हम खुद। शुद्ध नय का आश्रय करके कैसा है शुद्ध नय, कैसा है? अब क्या करना है बोलो? उद्दत बोध चिन्हम, उद्दत ज्ञान जिसका चिन्ह है, ऐसे शुद्ध नय का आश्रय करके क्या करना है बता करें? हाँ, एकाग्र में कलयंत सदैव, एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता का अर्थ आता है एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं और, नहीं तो तुम बता दो, लड़की का विवाह हो गो, अब पूछे लड़की तो अब क्या करने? अब जाओ आराम से रहो अपने घरे, सेवा करो पति, सौभाग्यवती रहो, पति की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। और केवल पति, ये तो लोक व्यवहार की बातें हैं, पति अकेला पति नहीं, तुम अकेले पति को राजी नहीं कर पाओगे। पति की माता जैसा ही, माता जैसा ही ना जी नहीं है कि ये हमारी सास है, हैं? तुम्हारी अंग्रेजी तो पढ़ते हो गए तुम, हैं? मदर इन लॉ, सासू किसको कहेंगे? मदर इन मतलब कानून। जब पति पति हो गया तो पति की माता कौन हो गई? मदर इन, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। माने ये कानून किसने बना दिया? किसने बना दिया कानून? माने हमें कछु मतलब नहीं, हमारा पति और हम, बात बाकी रहे, चाहे चाहे कोई पानी मांगता है, चाहे कोई बीमार डर हो रहा है, चाहे कछु, ऐसी महिलाएं कभी सफल नहीं होती। जो ये सोचते हम और बस, बहुत से लोग कर्मचारी ढेर हो जाते, बस अपने मेन अधिकारी को पकड़ा और बात आप दूसरी और खुश कर करके बस करने जा, काम धाम कुछ नहीं, और किसी को कुछ नहीं समझते, किसी दिन चक्कर में पड़ते। पति को संतुष्ट करने के लिए पति की मां को मां समझना होगा, पति के पिता को पिता समझना होगा, पति के भाई को भाई समझना होगा, पति की बहन को बहन समझना होगा, पति के मित्र को पति मित्र समझना होगा, उस तरह माने यथा योग्य व्यवहार भी करना होगा। और हमें नहीं, तुम बता दे, ऐसे लोग अनुशासनहीन है, आपको इनसे भी संबंध रखना होगा, इनसे भी संबंध रखना होगा, इनसे भी समझना होगा, ऐसा नहीं है, तुम बता दे, तुम समझा दे,
ये बहुत मिथ्या भ्रांति है, बस चैनल से आ। मेकाग्रमेव कलयन्ते सदैव यति, एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता का अभ्यास का मतलब समझ गए? अब अपनी स्थूल भाषा में बोलो, अकेला देखने का अभ्यास करो, देह से भिन्न आत्मा को देखने का अभ्यास करो। बैठ जाओ, मैं तो चैतन्य स्वरूप धुन लगा, फिर क्या करें, पागल हो गए अब करने की बात का? चाहिए तुम्हें जाने कहां है, पंडित बनने का, का करने करने का जो बता दो। हम कितनी बार कह रहे थे रस पियो, रस ये अध्यात्म जैसा रस दुनिया में दूसरा नहीं है, रस पियो। बैठ एकांत चित एक ठोर आन रे, बैठ एकांत चित एक ठोर आन रे, तेरो घर सरता में तू ही है कमल हुए को, तू ही मधुकर हुए सुवास पहचान रे, प्राप्ति न हुए कछु ऐसो तू विचार है। ये तेरा विचार मिथ्या है, सही हुए प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रे, सब जानने में आ जाएगा। लेकिन तब जानने में आएगा इसमें एकता का अभ्यास करेगा, किसी को जानने का कौतूहल नहीं रहेगा। एक ही चर्या है 24 घंटे की, सारे जीवन की एक ही चर्या है, और कुछ है ही नकल। समय सारा दुत्तरम किंचे दसी, नकल समय सारा दुत्तरम किंचे दसी, किसा प्रभावना? अरे प्रभावना हम बताते, प्रभावना उनके द्वारा होती, तीर्थंकर दीक्षा लेते तब से मौन होते हैं, उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। करके बता तुम प्रभावना, जाओगे और कितने प्रवचन कर लोगे, बोलो कितनी प्रेरणा करोगे, कितनी किताबें छापोगे, कितनी कैसेट बनाओगे, इनसे प्रभावना करना चाहते हो? तुम्हें प्रभावना की अभिलाषा है तो प्रभावना का विकल्प छोड़ करके आराधना करो। आराधना करो, आराधक सच्चा प्रभावक होता है। एकाग्रमेव कलयन्त सदैव यति, अब क्या होना है बोलो? रागादि मुक्त मन से सततम भवन्त, रागादि मुक्त सततम, रागादि मुक्त मन से जी कचरा निकल गया उसको ही दिखन लगो वहां। रागाद मुक्त मन से सततम भवंत पश्यंत बंद विदुरम क्या कहा? पश्यंत बंद विदुरम समय। जिसने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना? यदि ग्रायम तो है शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण किया, बस ग्रहण होने योग्य सब ग्रहण हो गया। पति के हाथ में अपना हाथ दिया, बस अब कहाँ रहेगा वो? कारखानों मिलोगे नहीं, गाड़ी मिलेगी नहीं, बोलो भाई। ए सुन तो, पहले कारखानों माय नाम करो, लिया यहां से पहले तिजोरी की चाबी हमें दियो, बेवकूफ मत बना तो हमें। हम मैं बना रहे, हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे, जो बता। चाबी तिजोरी की तुम्हें दें सो लेके भग जाओ। बोलो तिजोरी की चाबी मिली कि नहीं मिली?
बढ़िया जो बिल्डिंग देख रहे थे कौन सेठ की है, वो बिल्डिंग अपनी मिली कि नहीं मिली, भाई भी जाके जी बैठ गए। अरे रे प्रभु, विचार तो कर, जिसने आत्मा को प्राप्त किया उसे क्या नहीं मिला। देख योग से तुम्हें देख उमगो और आनंद विशेष, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो, विशेष जानने की आकांक्षा क्षोभ उत्पन्न करती है। अविशेष को जानते हुए जीव तृप्त होता है, अक्षोभ होता है। अक्षुब्धमेव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति, जिनेन्द्र भगवान के बाहर की स्तुति है। तो नित्यम अविकार स्वस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। भगवान आत्मा अक्षुब्ध, आत्मा का अनुभव करने वाला, उसे को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये क्षोभ होना अपनी अस्थिरता का दोष है, अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी है, अपनी पुरुषार्थ की कमी है, निमित्त का कार्य नहीं है। ये यहां बैठे इसलिए तो चित्त खिन्न हो गया, ऐसा नहीं है। हम यहां नहीं बैठे इसलिए चित्त खिन्न हुआ, ये समझ लेना चाहिए। देखो भाई, भीतर की मान्यता विपरीत मत कर बैठना, नहीं तो मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। रागादिक के होने में पर का दोष नहीं और रागादिक के मिटने में पर का सहाय नहीं। अपनी भूल से, अपने दोष से, अपने पुरुषार्थ की हीनता से, अपने उत्पन्न से उत्पन्न हो और अपने ही ज्ञानाभ्यास से मिटते हैं। विचारना,